आज आप लोग जानेंगे कि थंबनेल में एरो का निशान कैसे बनाएं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले चले जाएंगे दोस्तों अपने पिक्सल लैब के ऐप में। अगर आपके पास पिक्सल लैब का ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर में आप लोग जाके पिक्सल लैब को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों पिक्सल लैब को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल प्ले में जाना है। यहाँ पे पिक्सल लैब करके लिख देना है दोस्तों। फिर देखो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। इसको इस प्रकार से यहाँ पे अपडेट मांग रहा है दोस्तों मेरे में। मैं अपडेट कर रहा हूँ, आपके में डाउनलोड नहीं होगा तो इंस्टॉल करके बोलेगा, आप इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों। मैं अपडेट कर दे रहा हूँ दोस्तों। अपडेट होने के बाद देखो दोस्तों मैं इसको ओपन करके दिखा दूंगा दोस्तों आप लोगों को। थोड़ी देर वेट कर लेना है दोस्तों इस प्रकार से, जब तक आपके में इंस्टॉल होते ही तक मेरे में अपडेट हो रहा है दोस्तों। पिक्सल लैब मेरे में अपडेट हो रहा है, आपके में इंस्टॉल होगा। इस प्रकार से होगा दोस्तों। फिर यहाँ पे मैं ओपन का ऑप्शन आएगा, फिर ओपन को क्लिक करके ओपन कर दूंगा दोस्तों। देखो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें आपको पूरी तरह से एरो का निशान बनाना सिखाया जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से वो इंस्टॉल होने देने हैं दोस्तों। इस प्रकार से इंस्टॉल होने के बाद देखे दोस्तों यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आएगा दोस्तों, उस पर क्लिक करने है दोस्तों अपने को। ये देखो दोस्तों आ गया, इस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। ओपन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखो दोस्तों इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा दोस्तों। थोड़ी देर के लिए वेट कर लेना है, फिर इस प्रकार से खुलेगा दोस्तों। खुलने के बाद देखो दोस्तों आप लोगों को ऐसे कर लेना है दोस्तों। इस प्रकार करने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पे न्यू टेस्ट है, इसे डिलीट कर देते हैं दोस्तों। डिलीट कर देंगे दोस्तों। डिलीट करने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको कोई सेप लेना है, सेप लेने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ सेप से पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। सेप से पर क्लिक करने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पे देखो दोस्तों इस वाले को नहीं लेना है आपको, यहाँ क्लिक करने हैं दोस्तों। यहाँ क्लिक करने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पे ये वाला अर्धगोला का लेना है दोस्तों। अर्धगोला का लेने के बाद देखो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे लाएंगे और इसको ऐसे पढ़ा लेंगे दोस्तों और एडजस्ट कर लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे। यहाँ पे हो जाने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। कहीं पे भी क्लिक करने के बाद यहाँ राइट कर देंगे दोस्तों। राइट पर क्लिक करने के बाद देखो दोस्तों इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। इस प्रकार से आने के बाद देखो दोस्तों अब इसको आप लोगों को कलर करने है दोस्तों। कलर करने के लिए दोस्तों इस प्रकार से आप नीचे चले जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे देखो दोस्तों कलर का ऑप्शन आएगा दोस्तों। नीचे की तरफ चले जाएंगे दोस्तों। नीचे की तरफ जाने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ओबेसिटी के देखो दोस्तों कलर का है, यहाँ पे इनेबल कर देंगे दोस्तों। फिर इसको आपको एरो के निशान को रेड करना है, ब्लू जो भी करना है कर लेना, मैं रेड रहने देता हूँ। फिर यहाँ पे ओके कर देंगे दोस्तों। ओके करने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पे कहीं भी क्लिक करने के बाद देखो दोस्तों फिर से आपको सेव के निशान को ले लेना है दोस्तों। फिर से सेव के निशान लेने के बाद देखो फिर से अर्धगोला को लेना है दोस्तों आप लोगों को। फिर से मैं अर्धगोला ले रहा हूँ दोस्तों। इसे अर्धगोला लेने के बाद देखो दोस्तों इसे एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आप भी अपने में एडजस्ट कर लेना जिस प्रकार से आपको तीर का निशान बनाना है दोस्तों। मेरे को इस प्रकार से बनाना है, मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ दोस्तों। इस प्रकार से एडजस्ट करने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पे राइट के बटन को क्लिक कर लेंगे, फिर इस प्रकार से छोड़ देंगे दोस्तों। फिर इस प्रकार से होने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफर एडिट का है दोस्तों, यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे दोस्तों। फिर इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा दोस्तों। बैकग्राउंड चेंज होने के बाद देखो दोस्तों आप लोगों को फिर से यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद देखो दोस्तों ये हीरो का निशान है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखते दोस्तों अपने को बड़ा सा हीरो चाहिए तो इसको प्रकार से रिसर्च करके इसको बढ़ा लेंगे दोस्तों। फिर दोस्तों इसको आपको इस प्रकार से कर देना है दोस्तों। इस प्रकार से करने के बाद देखो दोस्तों आपको इसको एडजस्ट कर लेना है। इस प्रकार से इसे अंदर कर देंगे दोस्तों पूरी तरह। फिर यहाँ पे सेट करेंगे दोस्तों,
इसको पकड़ के लेके चले जाएंगे दोस्तों। इस वास्ते आप लोगों को चले जाना है, ये नहीं हो रहा है दोस्तों, इसे आप डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। और अपने को दूसरे वाला एरो को लेना है तो आप फिर से एरो पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। और अपने को कौन सा वाला लेना है दोस्तों देख लेंगे दोस्तों। अब अपने को ये वाला लेना है दोस्तों इस प्रकार से, तो फिर इसको अंदर करेंगे, फिर ये भी नहीं बनेगा दोस्तों, इसको भी कट कर लेंगे दोस्तों। फिर से आपको एरो को निकाल लेना है, फिर इस प्रकार से ये वाला ले लेंगे दोस्तों। इस वाले को लेने के बाद देखा दोस्तों ये पूरा अंदर चले जा रहा है दोस्तों। इस प्रकार से इसको इधर ला लेंगे दोस्तों, इसको इधर से यहाँ पकड़ के ला लेंगे दोस्तों। इसको इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। इसको क्या करेंगे, इसको पकड़ लेंगे, फिर इस प्रकार से बड़े छोटे कर सकते हैं। इस प्रकार से इसे राउंड कर लेंगे दोस्तों। राउंड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिट कर लेंगे दोस्तों, इस प्रकार से फिट कर लेंगे दोस्तों कि साइज इसका बन जाए दोस्तों। साइज को अच्छी तरह से साइज को मिला लेंगे ना, और राउंड भी कर लेना है दोस्तों। इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं अपने में, मैं इस प्रकार से कर दे रहा हूँ। दोस्तों होने के बाद देखा दोस्तों इसका एरो को बड़ा करना है दोस्तों, तो एरो को बड़ा करने के लिए यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद देखा दोस्तों यहाँ फिर से आ गया, इसको राइट कर देंगे, फिर इसको इस प्रकार से रखेंगे। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों इसको अपने को कलर करना है, तो कलर में क्लिक करेंगे, फिर रेड कर देंगे। रेड करने के बाद देखो दोस्तों इस प्रकार से आपको एडजस्ट कर लेना, मैं अपने में एडजस्ट कर ले रहा हूँ दोस्तों। इस प्रकार से आप भी कर लेना है दोस्तों। इस प्रकार से होने के बाद देखो दोस्तों ओके कर देंगे दोस्तों, हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आप भी एडजस्ट कर लेना है दोस्तों, और इसको एक बार सेव कर लेना है दोस्तों। सेव करने के लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेव इमेज पर क्लिक करना है। सेव इमेज पर करने के बाद देखा दोस्तों यहाँ पे देखा दोस्तों डिफॉल्ट है, इस पर आपको नहीं कुछ करना है। यहाँ पे सेव गैलरी पे क्लिक कर देना है दोस्तों। सेव गैलरी करने के बाद देखा दोस्तों एक टाइटल आ जाएगा, आपको देखना है तो देख लेना, या फिर यहाँ पे कट का निशान आएगा, इस पर उसकी वीडियो कर देना है दोस्तों। फिर बैक चले जाना है दोस्तों। बैक जाने के बाद देखा दोस्तों फिर से आप लोगों को पिक्सल एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखा दोस्तों फिर से खुल के आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आपका इंटरफेस आएगा दोस्तों, फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर दोस्तों आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे दोस्तों उसी को ओपन करना है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखा दोस्तों इम्पोर्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखा दोस्तों अभी जो हम लोग अभी इम्पोर्ट किए हैं उसी को क्लिक कर लेंगे दोस्तों। इस प्रकार से इसको क्लिक करने के बाद देखा दोस्तों इस प्रकार से आएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे राइट के निशान को क्लिक कर देंगे दोस्तों। राइट के निशान को क्लिक करने के बाद देखा दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। अब आप लोग को इसको बड़ा कर लेना है दोस्तों एडजस्ट करने के लिए। इस प्रकार से आपको बड़ा कर लेना है। बड़ा हो जाने के बाद देखा दोस्तों फिर आप लोग को यहाँ पे कि कहीं भी इसको लाके क्लिक कर देना है दोस्तों। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये वाला में फिर से क्लिक कर देना है दोस्तों। फिर बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का। बैकग्राउंड चेंज होने के बाद देखा दोस्तों इस प्रकार से आ रहा है यहाँ पे। फिर इसको भी आपको चेंज करना है दोस्तों, इस प्रकार से आ रहा है, उसको भी चेंज कर देना। नहीं दोस्तों आप लोगों को ये बैकग्राउंड को चेंज नहीं करना है दोस्तों, जैसे तस रहने देने। तो इसे इंडो करेंगे तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, यहाँ इस प्रकार से रहेगा दोस्तों, इस प्रकार से रहेगा दोस्तों। फिर आप लोगों को यहाँ पे आना है, यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को। यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाया जाएगा दोस्तों, दिखा दे रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को। इस प्रकार आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आप लोगों को इस प्रकार से आपको नहीं दिखा रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे फिर दिखाएगा दोस्तों। देखो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जाएगा इस प्रकार से दोस्तों।
इरेज कलर, इस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों और इसको ऑन कर देंगे दोस्तों। इसको ऑन करने के बाद देखा दोस्तों नीचे का इमेज हट जाएगा दोस्तों। फिर राइट पर क्लिक कर देंगे, राइट पर क्लिक करने के बाद देखा दोस्तों इस प्रकार से इंटरफेस हो जाएगा दोस्तों। होने के बाद देखा दोस्तों यहाँ पे इस वाले को यहाँ पे इस प्रकार से रख देना है और ये न्यू टेस्ट लिखा है दोस्तों पहले उसको आप लोगों को रिमूव कर लेना है। रिमूव नहीं करेंगे फिर भी दोस्तों वो हट जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक कर देंगे दोस्तों। यहाँ क्लिक करने के बाद देखा दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। इसको फिर से आप लोगों को जो भी राउंड करना है तो उसे राउंड कर सकते हैं सिलेक्ट करके। इस प्रकार से आप लोग इसको राउंड कर सकते हैं। अब ये रहा दोस्तों अपना तैयार हो जाएगा। इसको इस प्रकार से आप कहीं भी ले जा सकते हैं या इस प्रकार से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे करके आपको इसको राउंड कर सकते हैं दोस्तों जिस प्रकार से भी आप लोगों को ना, मेरे को इस प्रकार से करना है, मैं इस प्रकार से रहने देता हूँ दोस्तों। फिर इसको सेलेक्ट कर लूंगा दोस्तों, फिर इसको सेव कर लेंगे दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे सेव कर लेंगे और अपने थंबनेल में यूज कर सकते हैं, सेव एज गैलरी कर लेंगे दोस्तों। इस प्रकार से सेव हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।